गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपीथजम्बु फलचारुपक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानाम् छन्दसामपि मंगलानाम् च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। महेशानि नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनीं कृपां कुरु महादेवी सत्ये सत्य स्वरूपिणी। प्रणव उपवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन जासुरदय आगार बसहि राम सरचापधर। नमोस्तु योगासन संस्थिताय त्रिलोकनाथाय महेश्वराय मुक्ति प्रदाया खिल सौख्यदात्रे भक्त प्रियायास्तु नमः शिवा। ध्यायेत् चंद्रजटाधरं फणिधरं शिरसे च गंगाधरं बाले भस्मधरं गले विषधरं कंधे च मालाधरं दीनं दुःखहरं त्रिलोचनवरं हस्ते त्रिशूलं धरं शत्रोर्मुक्तिहरं जरा भयहरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। बोलो श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। हो श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय। बोलो श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। अतुलित बल धामम हेम शैलाप देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। लाल देह लाली लस अर्धरी लाल लंगू वज देह दानव दलन
जय 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 सियावर रामचंद्र भगवान उमापति महादेव अम्बे भवानी मात्र की बालाजी भगवान की सदगुरु भगवान की हनुमंत लाल जी महाराज की ओ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान आशुतोष अवधारणी मेरे इष्ट और आराध्य की असीम अनुकंपा से षड दिवसीय छह दिवसीय हनुमान जी की पावन गाथा के पंचम दिन के पधारे हुए सभी श्रोता मेरी माता बहने वडील बुजुर्ग मित्रगण आदि का मैं तो हाथ जोड़कर करबत हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभिवादन मानस जाने हूँ करूँ कर बीजो को अधिरा अधूरा रहे मारो हरि करे सुखो। इंसान ऐसा मानता है कि मैं अपनी बुद्धि से सब कुछ करता हूँ, मगर यह गुजराती कवि गुजराती लेखक कहता है कि मेरा हरि करे सोई होई, यानी कि होई सोई जो राम रची राधा। हम बड़े प्रेम से बोल लेते हैं, बड़े अहंकार से कई बार बोल लेते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। दाखला तरीके एज एन एग्जाम्पल बात करें तो कल हमने कहा था 6:30 बजे स्टार्ट कर दिया, तो हमने किया था और हमारा कहा सत्य नहीं हो सकता। तो कभी भी हमारी इच्छा के अनुसार जब कार्य न हो तब व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। प्रभु की लीला है, प्रभु की इच्छा, जानबूझकर नहीं करना ऐसी बात नहीं, पूरे शुभ प्रयास के बाद भी, पवित्र प्रयास के बाद भी, शुद्ध मति से शुद्ध बुद्धि से शुद्ध वृत्ति से आप प्रयास करो, मगर फिर भी आपका मन का चाह नहीं होता है तो दुखी होने की जरूरत नहीं। होई सोई जो राम रचि राधा। हम ऐसे ग्रंथ को लेकर बैठे हैं जो जीवन को सुंदर बनाता है। पूरी रिकैप करने चले जाएंगे तो पूरी रिकैप बढ़ती जाएगी कि कल की कथा परसों की कथा चार दिन की पुरानी कथा। तो हनुमान जी महाराज निकले, तीन राक्षसाणी मिली, लंकिनी को मारा, लंका में आए, विभीषण से मुलाकात, अशोक वाटिका में गए, मुद्रिका डाली, त्रिजिता से संवाद, रावण के भोजन के लिए माँ से आज्ञा, माँ ने आदेश दिया, अक्ष को मारा, मेघनाथ बांध के ले गए और बहुत सब कुछ समझाया हनुमान जी ने, और रावण को गुस्सा आया और रावण और हनुमान जी का संवाद चलता है। ये रिकेप खत्म हो गया, रिकेप जितना खींचना चाहते उतना खींच सकते। तो अभी रावण और हनुमान जी के बीच में संवाद चल रहा है। एक ग्रंथ है, उसका नाम है सुंदरकांड। मतलब ग्रंथ किसको कहते हैं, ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? तो बोले भागवत जी का, रामायण जी का, शिव महापुराण का, जो भी धार्मिक पुस्तक है उसको हम ग्रंथ कहते हैं। तो ग्रंथ का अर्थ क्या होता है मालूम? ग्रंथी एक शब्द है, एक वचन है ग्रंथी। ज्यादा ग्रंथी हो जाए तो ग्रंथियों का समूह बनता है, उसको कहते हैं ग्रंथ। तो हमारे मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार की ग्रंथियां है, उस ग्रंथियों को निकालने के लिए, इस ग्रंथि से मुक्त होने के लिए ये ग्रंथ का हमने आश्रय किया है।
तो यहां बहुत बातें चली और हनुमान जी महाराज ने उल्टा उल्टा बोला तो रावण को गुस्सा आया, उल्टा हो कहे हनुमाना मति भ्रम तोर प्रकट नहीं चाहना। मारने के लिए आदेश दे दिया, उसको मार डालो। विभीषण उस समय आया और विभीषण ने कहा कि महाराज ये दूत है और दूत का वध व्याजवी नहीं है, दूत अवैध है, उसको मार नहीं सकते न्याय के हिसाब से। आप ऐसा उन्होंने यदि दुर्व्यवहार किया है तो आप उसको कुछ दंडित कीजिए, मगर उसको मारे नहीं। रावण को ये चीज अच्छी लगी, उन्होंने सोचा कि पूछ के ऊपर उसको बहुत उन्होंने पूछ ले सबको मारता था ना, तो बोले उसकी पूछ जला दो और उसकी पूछ खंडित कर दो। कवि के ममता पूछ सब ही कहू समझाई, तेल बोरी पट बाबी पावक दे। हनुमान जी के लिए पूछ वो गौरव की बात है, हमारी गुजराती में पूछड़ा। हनुमान जी महाराज इतने शांत है, इतने मति धीर है, बुद्धिशाली में अग्रगण्य बुद्धि बुद्धिमता वरिष्ठ ज्ञान नाम अग्रगण्य अग्रज्ञानी है। तो जैसा सामने वाला होता है वैसा हनुमान जी नहीं है। रावण ने कुछ अलग उल्टा उल्टा बोला तो हनुमान जी ने कहा उल्टा होई कहे हनुमान। मगर यहां रावण ने उसकी दुखती हुई नस के ऊपर पैर रख दिया। आप कितने भी सज्जन है, कितने भी धार्मिक है, मगर आपकी पूछ को कोई छंछेड़ेगा तो आप अपना स्वरूप बदल देंगे। यानी कि हम गुजराती लोग हमारे बच्चे परिवार को पूछड़ा कहते हैं। आपके सामने कोई ऐसा वैसा करेगा आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके बच्चों के सामने किसी ने आंख उठाई आप अपनों अपने से बेकाबू हो जाए। हनुमान जी की पूछ को जलाने का प्रोग्राम बनाया कि तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाए। ऐसा करो इसकी बंदर की पूछ के ऊपर वस्त्र आदि लपेट कर घी और तेल डाल के बंदर की पूछ को जला दो, और जब ये खंडित बंदर पूछहीन बानर तह जहे वहां जाके अपने स्वामी को मिलेगा, उनको देखेंगे तो पता चलेगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। और उसके प्रभु की भी प्रभुता हम देखते हैं, वो आते हैं तब क्या करते हैं। अभिमान से प्रेरित होकर हनुमान जी ने आदेश दिया, वचन सुनत कपि मन मुस्कान। कपि सोच रहा था कि मैं इस लंका को जला के जाऊं, मगर कहां से लाऊंगा तेल, कहां से लाऊंगा घी और कहां से आग लाऊंगा। तो जो प्रभु का भजन करता है उनकी सभी व्यवस्था ईश्वर कर देता है। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो प्रभु राम की भक्ति करता है उनके योग की क्षेम की दान की दक्षिणा की पूजा की यात्रा की निवास की भजन की और भोजन की सभी व्यवस्था, यदि उसको जलाना है तो घी और तेल की भी व्यवस्था कर देता है। हनुमान जी के मन में आया कि लंका की सोना इसको शोभा नहीं देती, कहां ये रावण और कहां ये लंका, ये तो शिव का आलय है, शिवालय है, और शिवालय में बैठने योग्य ये व्यक्ति नहीं है। कई बार प्रभु हमें दे देते हैं लंका जैसा वैभव, मगर जब हमको लंका यानी कि सत्ता संपत्ति सामर्थ्य और पैसा मिल जाता है तब क्या करते हम, पांच मत्था कर देते हैं। पांच करे उसको तो सरपंच कहते हैं, पांच मत्था सरपंच यानी कि प्रमुख बनने लगते हैं, जहां भी जाओ मेरे को आगे करो मेरे को आगे करो, तब तक कोई दिक्कत नहीं, मगर पंच से दुगुना बन जाता है, दशानन बन जाता है, दस मुख वाला, उसका अलग अलग चेहरा होता है, वो संपत्ति का चेहरा है। यहां हनुमान जी ने सोचा कि इस संपत्ति के लायक ये नहीं, छलाने का
मन में विचार, यहां रावण ने आदेश दिया, वचन सुनत कभी मन मुस्काए, अंदर से मुस्काए, क्या बात है रावण, मेरे मन में जो भी चल रहा था वही तूने बोल दिया, वही सहाद सारद में जाना। जब आपके मन में होता है सही दिल से, आप चाहते हैं, तब शारदा अर्थात सरस्वती सामने वाले के जिह्वा के ऊपर बैठ जाती है, वरना यह संकल्प क्यों होता है? संकल्प यानी कि वन काइंड ऑफ सिग्नेचर, वंस यू संकल्प, हिंदू माइथोलॉजी कहते हैं कि आपको करना चाहिए, जैसे आपकी गवर्नमेंट में कुछ डील होती है या साइन हो गई, यू हैव टू कॉल, तो संकल्प है वो हमारा सिग्नेचर है।